नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेटा कंपाइलेशन के बारे में। मान लीजिए कि मेरे पास हर दिन एक फाइल आती है, उसको एक के नीचे मुझे डेली बेसिस पे अपलोड करना होता है, तो कैसे इस कॉपी पेस्ट करना होता है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं चलिए एक ब्लैंक डेटा लेता हूँ। हमने यहाँ पे मान लीजिए एम डेटा के नाम से हमने बनाया है डेटा यहाँ पे, और यहाँ से इसको क्रिएट कर दिया। और फिर मैं यहाँ पे क्रिएट पे आता हूँ, क्रिएट नहीं, एक्सटर्नल डेटा सोर्स में आता हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक बार मुझे फ्रॉम एक्सेल से मुझे इंपोर्ट करना होगा, फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल। एक बार मैं इसको कर लेता हूँ एंड इसको ब्राउज करते हैं। एम डेटा यहाँ पे आएगा आपका डेस्कटॉप पे। ये पहले बार करना पड़ेगा, उसके बाद में। और इसको डेटा शीट नेक्स्ट 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 एंड फ्रीज कर दिया। तो डेटा टेबल हमारा ऐड हो गया। अब यहाँ पे मुझे इसी फाइल को, अब मान लीजिए कि अगले दिन, एक दिन हमने डेटा यहाँ पे ऐड कर लिया, अब अगले दिन क्या करेंगे, मुझे अगला दिन का डेटा इसी के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। देखिए यहाँ पे 103 तक का डेटा है, अगला डेटा इसी को कॉपी पेस्ट करना है। तो अगले दिन आप फिर वापस फ्रॉम फाइल करेंगे, और फ्रॉम फाइल करने के लिए यहाँ पे अपेंड क्यूरी डेटा, यहाँ पे टेबल चेंज कर सकते हैं डेटा। और फिर यहां से आप क्या करें, अपना फाइल सिलेक्ट कर ले जो आपका फाइल है एंड ओपन, फिर ओके, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट एंड अब यहां पे सेव इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सेव इंपोर्ट। यहां पे सेव एज ए नाम दे सकते हैं, इंपोर्ट एम डेटा, और डिविजन दे दे यहां पे दीजिए कि डेली सेल्स। एंड इसको हम सेव इंपोर्ट करते हैं। तो अगला बार अब मुझे इसको रन करना होगा, तो क्या करना होगा, यहां पे सेव इंपोर्ट पे जाएंगे और जस्ट इसको इसको रन कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, कोई फाइल सेलेक्ट नहीं करना। आप देखिए 103 से देखिए आपको ज्यादा हो गया, ये आपका यहां पे देखिए 30 तक आ गया, क्योंकि ये तीन बार अपडेट हो गया। तो हर दिन आपको क्या करना होगा, अब जैसे मान लीजिए कि मेरी नई फाइल आई, तो नया डेटा आया हमारा, तो हमें क्या करना होगा कि उसी सेम लोकेशन में हमें अपने फाइल को कि यहाँ पे एम एम का एम एम, हाँ इसमें न्यू फोल्डर है, इसी लोकेशंस में एम डेटा में ही अपनी डेटा को डाउनलोड करके रख देना है एम डेटा के नाम से। मतलब लोकेशन आपका डेटा कौन सा है, डेटा शीट का नेम भी आप सेम रखिए, तो यहाँ पे वो डेटा को मर्ज कर देगा। बस आपको कुछ नहीं करना, सेव मर्ज पे क्लिक कर देना है। अब इसको वापस एक्सेल पे आप चाहते हैं, तो आप इसको यहां से डेटा में जाए और गेट डेटा फ्रॉम फाइल, और यहां पे फ्रॉम डेटाबेस, तो यहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस को लेते हैं। और यहां हम अपने लोकेशंस पे जाते हैं, एम डेटा को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर देते हैं। इसमें कौन सा डेटा टेबल है, एक मेरे ओपन है इसलिए ऐसा हो रहा है, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। कनेक्टिंग होंगे तो एक्सेस के डेटा यहां पे आपको आ जाएगा। तो ऐसे आपको मान लो 5-10 फाइलों से करनी पड़ती है, तो आप 5-10 फाइलों का ऐसे ही सेव इंपोर्ट तैयार कर लीजिए, तो एक के नीचे वो इंपोर्ट करता चला जाएगा डेली बेसिस पे। लेकिन इसका और सोल्यूशन है वीवी के मदद से, तो वो सॉल्यूशंस भी हम आपको आगे वाली वीडियोज में बताएंगे। तो मेरी वीडियोज को इसी तरह से फॉलो करते रहें, और जब भी कुछ प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिए. थैंक यू.